दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं हुंडई वेन्यू का बेस एंड वेरिएंट ई, जो कि 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है। दोस्तों हुंडई वेन्यू में जनवरी से मार्च 2023 में जब चेंजेस हुए तो सबसे कम चेंजेस जो है वो इसके बेस एंड वेरिएंट ई में आए। सिर्फ दोस्तों इसके इंजन में चेंज किया, इसके इंजन को BS6 फेज 2 के हिसाब से बनाया, RDE कॉम्प्लेंट यानी रियल ड्राइविंग एमिशंस कॉम्प्लेंट किया, E20 फ्यूल को सपोर्ट करेगा जिससे ये लोअर एमिशंस करे, कम धुआं करे और पॉल्यूशन कम करके एनवायरमेंट को बचाए। इसके अलावा दोस्तों हुंडई वेन्यू के जैसे बाकी वेरिएंट्स में चेंजेस आए वैसे इसमें चेंजेस नहीं किए। अप्रैल 2023 में भी दोस्तों इस गाड़ी में कुछ चेंजेस हुए, लेकिन इस बार बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है वो हुंडई वेन्यू के बेस एंड वेरिएंट ई में आए। आज का मेरा ये वीडियो आपको सारे चेंजेस अपडेट करेगा, यानी क्या क्या इसमें नए फीचर्स ऐड किए हैं उसके बारे में बताएंगे, साथ में ये बताएंगे इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इस गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों इस गाड़ी की प्रेजेंट की प्राइसिंग है 7,71,600 रुपीज़, जो कि यूपी में ऑन रोड पड़ती है। चार्जेस जैसे कि RTO इंश्योरेंस एक्सटेंडेड वारंटी एसेसरी ऐड करते तो तकरीबन 9,03,000 रुपीज़ की। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले हम जो भी रिसेंटली इस गाड़ी में चेंजेस हुए, अपडेशंस हुए उसकी। देखिए इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसके इंजन को जो है BS6 फेज 2 के हिसाब से डिज़ाइन किया। इसके अलावा जनवरी में एक और चेंज आया था हुंडई वेन्यू के बेस एंड वेरिएंट में, वो सिर्फ इसके व्हील कैप्स के कलर्स में था। सिल्वर से चेंज करके ये थोड़े से ग्रे, डार्क ग्रे या ब्लैक स्टोन पे इसके व्हील कैप्स कर दिए, जो कि इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक को कुछ हद तक चेंज कर दिया, या फिर कह लीजिए इससे जो है आपको यही पता लग जाएगा कि आप 2023 की हुंडई वेन्यू चेक कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर में दोस्तों और कोई भी चेंज नहीं आया इस गाड़ी में। इंटीरियर में भी दोस्तों कोई चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे जो है जनवरी से मार्च तक में जो चेंज हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सीधे अप्रैल 2023 से इसमें क्या चेंज आया। बड़े बड़े चेंजेस हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसके मीटर में चेंज किया। इसमें पहले आता था कुछ निडिल बेस्ड मीटर और सेंटर पे MID डिस्प्ले देते थे, जिसको रिप्लेस करके अब जो है अपर वेरिएंट की तरह ही इसमें देखिए डिजिटल मीटर को दे दिया है। इस मीटर के आ जाने से ये गाड़ी देखिए और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और बेस एंड वेरिएंट वाला फील नहीं दे रही है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मीटर तो दे दिया अपर वेरिएंट वाला, लेकिन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें अभी भी नहीं दिया है। ये देखिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन स्विच करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ों का कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन TPMS जो है वो आपको इसमें अभी भी नहीं मिल रहा है। इवन यहाँ पे सेफ्टीज में भी कोई ध्यान नहीं दिया, इसमें भी अभी सेम जैसे पहले दो एयरबैग्स आते थे वैसे अभी भी इसमें डुअल एयरबैग्स ही दे रखे हैं हुंडई वेन्यू के। S ऑप्शनल यानी E से ऊपर S आता है, S से ऊपर S ऑप्शनल आता है, S ऑप्शनल से 4 एयरबैग्स हैं, इसमें अभी भी डुअल एयरबैग्स ही मिलते हैं। इसके अलावा ISG फीचर, आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर भी दोस्तों इसमें नहीं दिया है, जो कि इसके अपर वेरिएंट में आता है। तो यानी यहाँ पे अप्रैल 2023 में अगर इस पोर्शन की बात करते हैं तो इसमें जो चेंज हुआ है वो इसके मीटर में है। इसके अलावा बाकी सारे चेंजेस जो हैं वो गाड़ी की बैक सेटिंग पे है, और काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस दोस्तों यहाँ पे भी किए हैं। देखिए इसमें पहले इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आते थे, जिसमें रोड सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से अब यहाँ पे आपको 1, 2, 3 ये 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस दे दिए हैं। ये ना केवल कंफर्ट को बढ़ाते हैं बल्कि नेक इंजरी से भी बचाते हैं, तब इनको हेड रेस्ट्रेंट सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और सेफ्टी फीचर इसमें बढ़ाया गया, मिडिल पैसेंजर के लिए 3-point सीट बेल्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अभी तक साइड पैसेंजर्स के लिए आती थी और फ्रंट में ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए रहती थी। मिडिल पैसेंजर पे सिर्फ एक नीचे की तरफ स्ट्रैप देते थे जो आपके कमर में बनता था, सिर्फ लोअर बॉडी को सपोर्ट देता था, बट यहाँ पे जो है अपर एंड लोअर बॉडी को सपोर्ट मिलेगा इस 3-point सीट बेल्ट से। तो ये भी इसमें एक चीज नई ऐड करी गई। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ाई, इसमें 60-40 स्प्लिट सीट्स को दे दिया। इससे बेनिफिट ये रहा कि हम सीट्स को पार्ट वाइज बेंड करके इसके लगेज स्पेस, बूट स्पेस को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएँ। और यही नहीं, 60-40 स्प्लिट के साथ दोस्तों यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें रिक्लाइनर फीचर भी, यानी एक पोजीशन पे तो ये सीट अभी सेट है, इसके अलावा इसको हम और थोड़ा सा पीछे की तरफ भी ऐसे ले जाके कम्फर्ट लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये हुए हैं इसमें कई मेजर चेंजेस इसकी पीछे की सीटिंग पे। इसके अलावा दोस्तों पीछे के लोग यानी पैसेंजर जो हैं वो सीट बेल्ट लगाए हैं या नहीं ये ड्राइवर को पता लग जाएगा। पीछे के सीट बेल्ट रिमाइंडर्स भी आ गए हैं इसके क्लस्टर में।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए इसकी बैक सीटिंग पे, और इवन अब तो कह लीजिए इसकी जो बैक सीटिंग का कंफर्ट है वो एक तरीके से टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला हो गया है, क्योंकि बेस से लेके टॉप तक ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे अप्रैल 2023 में क्या चेंज हुआ और टिल मार्च तक क्या चेंज था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस गाड़ी के सारे फीचर्स की उन लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते हैं इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आते हैं। बाकी अगर आप ये वीडियो सिर्फ अपडेट्स के लिए देख रहे थे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे अपडेट्स कवर कर ली है। चलिए अब फटाफट बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स की। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक, बेस से लेके टॉप तक सब में आपको सेम डार्क क्रोम की ये बोल्ट ग्रिल मिलती है। बाकी बेस एंड वेरियंट में यहाँ पे चेक कर लीजिए, हैलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प दिए हुए हैं, ऊपर की तरफ टर्न इंडिकेटर्स आ जाएंगे फ्रंट के, फॉग लैंप्स दोस्तों हुंडई वेन्यू के किसी भी वेरियंट पे नहीं आते हैं। साइड प्रोफाइल यहाँ से आप चेक कर लीजिए, बेस एंड वेरिएंट दूर से ही समझ में आ जाएगा कि आप इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये नॉन पेंटेड दे रखे हैं। बाकी इंडिकेटर्स जो हैं वो दिए हुए हैं इसके फेंडर में, और हैंडल्स अच्छी चीज़ है बॉडी कलर्स में, यानी मिरर्स को छोड़ के हैंडल्स बॉडी कलर कर दिया। अगर ये भी बॉडी कलर्स में दे देते तो शायद एस और ई दोनों में आप पहचान नहीं पाते कि आप कौन सी गाड़ी चेक कर रहे हैं, क्योंकि रूफ रेल्स दोस्तों इस वेरिएंट पे भी आती है। व्हील्स का साइज़ यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये देखिए लिखा हुआ है 195/65 आर 15 इंच के ये व्हील्स दे रखे हैं। चलिए आ जाते हैं गाड़ी के बैक साइड में और बैक से आपको चेक करा देते हैं इस गाड़ी का खूबसूरत लुक। ये देखिए 2022 में फेसलिफ्ट होके हुंडई वेन्यू आई, काफ़ी सारे चेंजेस किए डिज़ाइन में फीचर्स में। तो ये देखिए पीछे का लुक आपके सामने है, कनेक्टिंग टेल लैंप्स चेक कर सकते हैं, हालांकि ई वेरिएंट हो या फिर एस वेरिएंट हो इसका जो बीच वाला पार्ट है ये सिर्फ रिफ्लेक्टर है, एलईडी लाइट्स नहीं है तो ये ऑन नहीं होती हैं, और इसके जो टेल लैंप्स हैं ये बल्ब बेस्ड दिए हुए हैं, ये नॉर्मल है एलईडीज नहीं है जैसे कि इसके एस ऑप्शनल वेरिएंट से आते हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर प्रोफाइल में मैंने आपको सारी चीज़ें चेक करा दी हैं, बैक साइड पर सिर्फ आपको इसमें सेंसर्स मिलते हैं, और ऊपर साइड पर एंटीना चेक कर लीजिए जो कि एक स्टिक टाइप माइक्रो रूफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद बूट दिखाते हैं, फिर बात करेंगे केबिन में बाकी फीचर्स की। 350 लीटर का बूट स्पेस दोस्तों इस गाड़ी में आता है, पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं आती, बट इनको आप परचेज़ करके अलग से लगवा सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट्स इसमें कंपनी फिटेड प्रोवाइड किए गए हैं, और स्पेयर व्हील जो है वो इधर नीचे की तरफ रखा है। बाकी व्हील्स की तरह ही सेम स्पेयर व्हील स्टील पे है, ये इसके टूल्स हैं और देख लीजिए स्पेयर व्हील को, और इस साइड पे देख लीजिए इसके साइज़ को, ये भी सेम आर 15 इंच का दिया हुआ है। तो यहाँ पे बूट चेक कर लिया है, बूट लैंप दोस्तों ये वेरिएंट कवर नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं पीछे की सेटिंग्स में और चीज़ें आपको चेक करा देते हैं। तो दोस्तों रियर एसी वेंट ये वेरिएंट कवर नहीं करता है, रियर एसी वेंट इसके ऊपर वाले वेरिएंट एस से मिलता है। बाकी यहाँ पे बैक साइड पे देख लीजिए पॉकेट्स वगैरह भी इसमें इस साइड पे दी हुई है, ड्राइवर के सीट के बैक साइड पे यहाँ पे पॉकेट आपको नहीं मिलेगी। ऊपर साइड देख लीजिए फिक्स टाइप ग्रिप्स, और सेंटर पे यहाँ पे इस गाड़ी की दी हुई है रूम लाइट, अकेली लाइट है, आगे तरफ देखिए यहाँ पे कोई भी लाइट प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ये है पीछे का डोर, पीछे की सेटिंग, और एक और कमी कह लीजिए क्योंकि बेस एंड वेरिएंट है तो यहाँ पे दोस्तों नहीं मिलते हैं पीछे पावर विंडो, पीछे यहाँ पे दे रखी हैं मैनुअल विंडोज़। इसके बाद स्पीकर्स भी दोस्तों इसमें प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, ये भी आपको आफ्टर मार्केट या फिर डीलर साइट से परचेज करके लगवाने पड़ेंगे। वाटर होल्डर ज़रूर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे के दो पावर विंडोज़ आपको इस वेरिएंट पे मिल जाएंगी। आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के कंप्लीट मैनुअल हैं, ओपन क्लोज आपको मैनुअल करना पड़ेगा, और ये जॉयस्टिक से इनके ग्लासेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। इस साइड पे भी आप वाटर होल्डर को चेक कर सकते हैं। बाकी स्पीकर्स को लगाने का यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है, स्पीकर्स कंपनी से लग के नहीं आते हैं। सेटिंग्स चेक करा देता हूँ, तो ये देखिए ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से सेट नहीं कर पाएंगे। फैब्रिक सेटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब और चीज़ें की बात करते हैं बैठे इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे। सबसे पहले हम इसकी कीज़ की, तो देखिए इसमें आपको दोनों ही मैनुअल कीज़ मिलती हैं, इस वेरिएंट पे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती, बेसिक मैनुअल कीज़ दी हुई है। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मैनुअल कीज़ हैं तो मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं, ये भी हाथ की हाथ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ड्राइविंग साइड से हम जब डोर के लॉक्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो बाकी लॉक्स भी ऑपरेट हो रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। ड्राइविंग साइड से जब हम
की से लॉक या अनलॉक करेंगे तो सारे डोर लॉक अनलॉक हो जाएंगे। चलिए अब एक और चीज़ सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हुंडई वेन्यू के ई वेरिएंट यानी बेस एंड वेरिएंट पे म्यूज़िक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं आता, तो ये म्यूज़िक सिस्टम जो है वो डीलर साइड से फिट किया गया है। तो फिटिंग थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप हुंडई वेन्यू पे म्यूज़िक सिस्टम फिट कराएंगे तो उसका लुक किस तरीके का दिखाई देगा। बाकी जैसे ये निपॉन कंपनी का सिस्टम लगा हुआ है तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप कौन सा सिस्टम लगवाना चाहते हैं। सस्ते से सस्ता भी आता है और महंगे से महंगा भी सिस्टम है। बाकी तो यहाँ पे मान लीजिए 15-16 हज़ार रुपये सिस्टम स्टार्ट होके बाकी आपकी चॉइस है। तो ये एज अ एसेसरीज पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों बाकी और कोई भी चीज़ इस गाड़ी में फिट नहीं की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं बाकी और चीज़ें, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेयरिंग से, देख लेते हैं। इसमें देखिए एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाता है, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसके स्टेयरिंग को सेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मीटर मैंने आपको चेक ही करा दिया क्योंकि इसमें फुल डिजिटल आ गया और काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे अब कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। एसी दोस्तों मैनुअल इसमें दिया हुआ है। इस साइड पे एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे रखा है और 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिल जाएगा। बाकी ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट के बीच में देखिए दो कप होल्डर्स दिए हुए हैं। ऊपर साइड दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आपको मैनुअल डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलेगा और इस साइड पे देख लीजिए तो वैनिटी मिरर्स नहीं दिए हुए हैं इस वेरिएंट पे। बॉक्स भी आपको चेक करा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉन कूलिंग फीचर वाला ये बॉक्स। तो दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी के सारे फीचर्स चेक करा दिए हैं। ये गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है जिसमें देखिए यहाँ पे लीवर का डिज़ाइन आपके सामने है। जैसे रिवर्स गियर लगाऊंगा इसमें सेंसर जो है वो कंपनी फिटेड आते हैं और कैमरा जो है ये जब म्यूज़िक सिस्टम लगा है तो उसके साथ इसमें कैमरा भी लगाया गया है। तो यहाँ पे सिस्टम कैमरा आपको बाद में लगवाना पड़ेगा, सेंसर्स कंपनी लगा के देती है। सारे फीचर्स दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी के चेक करा दिए हैं, क्या क्या अपडेट्स हुए हैं वो बता दिए हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पर मीटर को एडवांस कर दिया है, अपर वेरियंट वाला मीटर दे दिया है। पीछे की सीटिंग टोटली कंफर्टेबल कर दी गई हैं जैसे टॉप वेरिएंट की आती हैं और साथ में सेफ्टीज़ को भी बढ़ाया गया है 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स को देकर। हालांकि अभी तक इसमें एयर बैग्स में इंप्रूवमेंट नहीं किए हैं, अभी भी इसमें 2 ही एयर बैग्स आते हैं। दोस्तों कैसी लगी गाड़ी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, मैं रेगुलर बेसिस में आपके सामने ऑटोमोबल्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, अभी तक आपने कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।